अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको मज़ेदार से स्प्रिंग रोल बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी, सिंपल और क्विक रेसिपी है और बहुत ही मज़े के ये स्प्रिंग रोल बनते हैं। रमज़ान में इफ्तारी में आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इवन आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए, मेहमानों के लिए, टी टाइम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट, सिंपल रेसिपी। अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। चिकन मैंने तकरीबन 400 ग्राम के करीब ले लिए, 2 कप के करीब चिकन थी और उसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल करके और श्रेड कर लिया है। चॉपर यूज़ किया है मैंने श्रेड करने के लिए, आप हाथ से भी कर सकते हैं। 4 अंडे मैंने बॉयल कर लिए हैं, उनको भी मैंने श्रेड कर लिया है चॉपर में ही। 1 कप के करीब ऑयल इस्तेमाल करूँगी मैं। कुछ सॉसेस जाएंगी इसमें, चिली सॉस 3 टेबलस्पून, सोया सॉस 3 टेबलस्पून, सुरका 1 टेबलस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून भर के, टिक्का मसाला किसी भी कंपनी का 1 टेबलस्पून भर के। गाजरें मैंने 2 से 3 ले लिए हैं, उनको अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है। मटर 1 कप, उनको बॉयल करके और मैश कर लिया है हल्का सा नमक डाल के। 1 अनियन श्रेड किया हुआ, बंद गोभी का 1 फूल श्रेड किया हुआ और 2 शिमला मिर्च मैंने श्रेड कर ली हैं। चॉपर यूज़ किया है। अगर आप देखना चाहते हैं किस तरह से तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर देख लें कि मैंने वेजिटेबल्स किस तरह से श्रेड किए हैं। ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स, अब आते हैं इसको प्रिपरेशन की तरफ। ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है, उसमें ऐड करूंगी चिकन और चिकन को सिर्फ आपने 30 सेकंड के लिए जो है ऑयल में भून लेना है। वैसे तो चिकन कुक्ड है, इसको कुकिंग की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड के लिए हम इसको हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं वो आप इसमें ऐड कर दें। अच्छी तरह से इनको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें जाएंगी सॉसेस और जो हमने स्पाइसेस निकाल के रखे हैं वो। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करना है, जितना आपको टेस्ट में नमक पसंद हो उसी तरह से आप इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट तक मैं इसको दरमियानी से तेज़ आंच पे पकाऊंगी और उसके बाद आंच बंद करके इसमें मैंने ऐड कर दिए अंडे और इनको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और उसके बाद हम इसको अपने रैप्स में फिल कर सकें। रोल पट्टी मैं यहाँ पे जो है बाज़ारी ही इस्तेमाल कर रही हूँ, ये आराम से आपको किसी भी बेकरी से मिल जाती हैं। उसके बाद मैं ग्लू बना रही हूँ, उनको जो है फोल्डिंग में इस्तेमाल करने के लिए। मैदा और पानी आपने इक्वल क्वांटिटी का लेना है। मैंने 1/4 कप मैदा लिया है और उसमें 1/4 कप पानी शामिल करके अच्छी तरह से एक पेस्ट आप बना लेंगे और वो पेस्ट जो है आपको रोल को या समोसों को फोल्ड करने के बाद बंद करने के काम आता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसके सारे लम्प्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। ये हमारा पेस्ट रेडी है। अब हम आते हैं रोल बनाने की तरफ। 2 तरीके मैं आपको फोल्डिंग के दिखाऊंगी, आपको जो इजी लगे आप उसी तरह से रोल को फोल्ड कर लें। सबसे पहले इस तरह से हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, अच्छी तरह से देख लें आप, उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमारा पहला तरीका आपने देख लिया। अब ये है दूसरा तरीका, ये बिगिनर्स के लिए है। वैसे पहला वाला तरीका ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इस तरह से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं।
कि हमारे सारे रोल रेडी हो चुके हैं। इस क्वांटिटी से ऑलमोस्ट 25-30 रोल जो है आराम से बन जाते हैं, डिपेंड आपकी साइज़ के कि आप बड़े रोल बनाते हैं, छोटे रोल बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं। इनको आप आराम से फ्रीज़र में 3 महीने के लिए फ्रीज कर सकते हैं और जब भी आपका दिल करे आप इसको फ्राई करके खाएं। लेकिन फ्राई करने से पहले इसको थोड़ी देर पहले ही आप निकाल के रख लीजिए ताकि अच्छी तरह से डिफ्रोस्ट हो जाए। अब मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ कुछ रोल। ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म किया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने। डिफ्रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप फ्रीज़ किए हुए रोल फ़ौरन से ऑयल में डालते हैं तो ऑयल का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है और हमारी जो भी चीज़ होती है वो अच्छी तरह से फ्राई नहीं होती है। इसलिए फ्राइंग से पहले आप थोड़ी देर पहले ही चीज़ को फ्रीज़र से निकाल के रख दें ताकि अच्छी तरह से वो डिफ्रोस्ट हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको पकाना है। ये हमारे रोल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि कितने ही ये मज़ेदार लग रहे हैं। खाने में भी ये बहुत ही लजीज बनते हैं, इसमें किसी तरह का कोई अदरक लहसुन इस्तेमाल नहीं हुआ है तो ये बिल्कुल भी आपको हैवी नहीं लगेंगे। बहुत ही सिंपल मज़ेदार रोल है। अफ्तार के लिए, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए, मेहमानों को सर्व करने के लिए, चाय के साथ खाने के लिए, किसी भी तरह से आप इनको बना के सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप उन दोनों पेजेस को भी लाइक कर दें। साथ ही साथ आपको रिटर्न रेसिपी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कोई सवाल पूछना है या किसी तरह का कोई सजेशन देना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।